गाइस वेलकम टू पहाड़ी कॉर्नर। और कैसे हैं आप लोग? सो गाइस आज मैं अपने किचन में आ गई हूँ फिर से कुछ नया ट्राई करने। लेकिन नया तो नहीं है ये बहुत ही घिसा पिटा सा आइडिया है। एक्चुअली आज मैं बनाऊंगी चॉकलेट। यस, ये नॉर्मल चॉकलेट है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। और मैं यहाँ पे खड़े खड़े अपना डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट को मेल्ट भी कर रही हूँ ताकि इसमें टाइम ना चला जाए वीडियो बनाते बनाते। सो गाइज, मैं चॉकलेट क्यों बना रही हूँ, एक स्पेशल रीज़न है जिसकी वजह से मैं चॉकलेट बना रही हूँ आज। वैसे तो हमने सोचा था कि केक बनाएं या केक मंगवाएं, तो स्पेशल रीज़न तो आपको पता ही होगा, टाइटल में पढ़ लिया होगा। जी हाँ, हमने कर लिए हैं 1K सब्सक्राइबर क्रॉस। उसी खुशी में मैं बना रही हूँ चॉकलेट। वैसे ये चॉकलेट है ना, ये कुछ अलग है, इट्स नॉट अ नॉर्मल चॉकलेट। ये चॉकलेट ऐसी बनाऊंगी ना कि लोग मुझे कभी कहेंगे ही नहीं कि प्रियंका चलो चॉकलेट बना दे। ये बनेगी एक अतरंगी चॉकलेट। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम पहले ये फर्स्ट वाला मोल्ड ले लेते हैं एंड देन इसमें मैं थोड़ा थोड़ा चॉकलेट डाल देती हूँ। अभी आप देखिए कि यहाँ पे मैंने चॉकलेट सिलिकॉन मोल्ड्स में डाल दी हैं, लेकिन अब इसमें मैं डालूंगी ट्विस्ट। और वो ट्विस्ट है ये, इसमें है काली मिर्च का पाउडर। एक्चुअली ये चॉकलेट इसलिए ही स्पेशल है क्योंकि इसमें डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि हमें करना है प्रैंक पूरे घर वालों के साथ। क्यों, चलो ऐड करते हैं। पर इसी के साथ साथ मैं कुछ और चीजें भी ऐड करूंगी, जैसे कि किशमिश एंड बादाम, ठीक है, ये भी ऐड करूंगी मैं इसमें। और काली मिर्च के पाउडर के साथ साथ मैं किसी किसी चॉकलेट में नमक भी ऐड करूंगी, सो दैट ये चॉकलेट मिक्स फ्लेवर्स दे ना, फ्लेवर तो चाहिए ना चॉकलेट में। तो इसीलिए आप बने रहिए और देखिए मैं कैसे इन लोगों के साथ प्रैंक खेलती हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ भी एक बार प्रैंक किया था और पर मुझे मौका नहीं मिला इनके साथ प्रैंक करने का। तो आज वो मौका आ गया है कि मैं अब इनके साथ प्रैंक करूंगी और वो भी इतनी अच्छी टेस्टी चॉकलेट्स खिला के, है ना। चलो, तो हमने ऐड कर दिए हैं दोनों मोल्ड्स में चॉकलेट, इसको हम रखते हैं साइड में और इसे लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे भर भर के काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा चटपटा कर देते हैं, चटपटी चॉकलेट। तो मैंने बना दी है चटपटी चॉकलेट, इसमें मैं डालूंगी और चॉकलेट। अब इस मोल्ड को अब मैं फ्रिज में रख दूंगी, ठीक है। तब तक पहले मैं इसे भी तैयार कर लूं। इस मोल्ड में मैं अच्छी चीजें डालूंगी, जैसे कि बादाम, ये मेरा फ्रूट एंड नट वाला बनेगा, फ्रूट एंड नट चॉकलेट। सो इसमें बादाम डाल दिए हमने। तो गाइस हमारी चॉकलेट तैयार है। जब तक वो अच्छी वाली जो है वो जब तक ठंडी हो रही है, मतलब फ्रिज में ऐसी तैयार हो रही है, तब तक ये जो हमारी जो मैंने जो ट्विस्ट वाली जो बनाई थी ये तैयार है। और अब हम तैयार हैं प्रैंक के लिए। तो गाइस चलिए मेरे साथ और प्रैंक करते हैं। चलो पहले किसको खिलाएं? चॉकलेट। विवेक बहुत बिजी है आज, तो आज वो चॉकलेट खाएगा। खट्टी क्या है? क्या खट्टी? खट्टी क्यों है? पियो। खट्टी क्यों है? कैसी लगी? खट्टी। खट्टी? खट्टी कुछ भी नहीं है, फ्रूट एंड नट्स है, ड्राई फ्रूट एंड नट्स डाले मैंने। क्या हुआ? मामे खा खा, दूसरी वाली ट्राई करेगा।
एनी ही वॉन्ट्स टू ट्राई सेकेंड. ये अच्छी है ना. सीरियस में ना मजा. मजा आया. ए वेस्ट नहीं करना, खा लेना चुपचाप. विवेक के साथ हो गई है खत्ती. प्लीज हैव सम चॉकलेट. मैंने बनाई चॉकलेट में क्या नया. चॉकलेट तो चॉकलेट ही होगा. हैं चॉकलेट तो चॉकलेट, इसमें क्या नया होगा. खाओ ना खाओ ना. अच्छा लगा है कि मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले इसमें. ड्राई फ्रूट्स वाली चॉकलेट है ना इस बार. ये मुंह मत बनाओ यार, ऐसा थोड़ा ना होता है. मुंह मत बनाओ. ड्राई फ्रूट वाह का करा ना. ड्राई फ्रूट्स खड़ा खड़ा लग रहा है. पांक थी पांक. क्या हो गया. क्या डाला इसमें. सॉल्ट डाला ना. नहीं तो ड्राई फ्रूट्स. संदीप की हो गई है खोटी. मुझे जाना पड़ेगा पॉटी. मेहनत करनी. क्या करना. खानी टेस्ट करके बताओ केड़ी बनी है. केड़ी बनी. बहुत अच्छी बनी है. खाने से पहले मम्मी ने बोल दी बहुत अच्छी बनी है. पूरी खावा. खावा यार. क्या शीशु मत कर. लून वो खावा. मैंने कहा नहीं. चॉकलेट टेस्टी चॉकलेट. अरे खाओ. अब पप्पा का इंतजार है. पप्पा को खिलाएंगे हम चॉकलेट. चलो पप्पा. पप्पा भी आ गए. तुम्हारे पप्पा आ गए. पप्पा ट्राई करेंगे होममेड चॉकलेट. पप्पा चॉकलेट खाने के लिए खुश क्योंकि डायबिटीज डायबिटीज है. चॉकलेट के लिए मना नहीं कर सकते. सॉरी अच्छी लगी पप्पा को. ड्राई फ्रूट चॉकलेट. ही ड्राई फ्रूट आए. हाय केड़ी. अरे मैं पप्पा को देख रही हूँ. हैं ठीक ही. पप्पा तो पप्पा का रिएक्शन ही है. अच्छी है. सो गाइस ये वाली रेसिपी जरूर ट्राई करना और ये अपने पप्पा को जरूर खिलाना क्योंकि पप्पा को पसंद आएगी. सो गाइस आज का मेरा ये प्रैंक सफल हुआ. विवेक पे भी, संदीप पे भी और मम्मी पप्पा पे. पप्पा एक्चुअली एकदम फ्लैट फेरू. एक्चुअली ऐसे ही है. बचपन से मैं जली हुई रोटी भी खिलाती थी ना उनको पहले पहले, तो वो जली हुई रोटी भी चुपचाप खा लेते. मुझे बहुत टेस्टी बनी. मुझे तेरे हाथ की ही रोटी पसंद आती है तो मैं जानबूझ के जली हुई बनाती कि मेरे से खाना मत बनाओ. अभी भी जली हुई बनाती हूं. अभी मैं अच्छा बनाई है. शट अप. अभी मैं रोटी नहीं बनाती हूं. जली हुई तो छोड़ो, रोटी कभी नहीं बनाई इसकी. नहीं मैं बहुत अच्छा. रोटी क्या होती है अभी नहीं पता. अभी मेरे को जाके अमृतसरी पिंडी छोले बनाने. ठीक है पिंडी छोले भी बने हुए हैं. उसको कुछ बनाने चाहिए. हेलो क्या बने हुए हैं. वो तो सिर्फ बॉईल हुए हैं. पिंडी छोले नहीं, वो सिर्फ बॉईल हुए हैं. और ये भी छोले हैं. पिंडी नहीं बना सकती छोले. सो गाइस थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस. जी हाँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आज हमारे 1K के ऊपर एक्चुअली हो ही गए. आज वीडियो एक्चुअली हम लेट बना रहे एक तरह से. तो हमें 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं और वी आर वेरी थैंकफुल. और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए. हमारे वीडियोस को देखते रहिए. लाइक कीजिए और कमेंट में ये भी बताइए कि आपको हमारे वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा है. सो कि हम उसे और ज़्यादा
इंजॉयबल ताकि हम और ज़्यादा ऐसी वीडियोस बना सकें। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, भले 1K हो गए हैं बट हमें पहुँचना है और भी आगे। एंड अगर आपको प्रैंक वाली वीडियोस पसंद है तो हमें बताइए, मैं और प्रैंक करने के लिए तैयार हूँ इन लोगों पे। हम लेके आएंगे नए नए प्रैंक्स, वो किस पे हो सकते हैं वो बता नहीं सकते। हमारे वीडियोस को ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।